आप सबको मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में आज हम माँ गंगा के बारे में चर्चा करेंगे, हम अध्यात्म पर चर्चा करेंगे और आपसे के जीवन के साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर, ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ में इस काशी नगरी से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज श्री गंगा महासभा के महामंत्री है। हम इनके साथ में आज चर्चा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है इस चर्चा में आप सबको ज्ञान प्राप्त होगा और आपको आपकी भ्रांतियां भी दूर होंगी और आपको एक नया रास्ता मिलेगा। महाराज श्री, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नारायण। महाराज श्री, जो ये हमारा कार्यक्रम है डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया, ये हम अभी तक हरिद्वार में हमने किया इस कार्यक्रम को, हमने मथुरा वृंदावन में किया, राजस्थान में किया और आज हम एक ऐसी नगरी में आए हैं जो विश्व की सबसे प्राचीन नगरी मानी जा रही है और ये धर्म का एक केंद्र भी है। विश्व के विद्वान पंडित इसी शहर से बने और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। तो महाराज श्री, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो मन में प्रश्न यही आ रहा है कि आप इस संन्यास में कैसे आए, कैसे आपकी रुचि बढ़ी और आप अभी इस किस आश्रम के साथ जुड़े हैं, आपके गुरुदेव कौन है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। संन्यास में आने का जहां तक प्रश्न है, संन्यास प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ जाना है, जहां हमको कछुना चाहिए साहन के सहनशाह। तो राजाओं का भी राजा हो जाता है सन्यासी। फिर काशी तो अद्भुत नगरी है। पिछले 20-22 वर्षों से इस नगर में किसी न किसी सामाजिक रूप से जुड़ करके, और पहले आह्वान अखाड़े के सन्यासी के रूप में, बाद में ज्योतिष पीठ के पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज से दंड दीक्षा प्राप्त करके एक दंडी स्वामी के रूप में, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य माँ गंगा की सेवा और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के गंगा के प्रयासों को आगे बढ़ाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैंने संन्यास में कथा प्रवचन ये हमारा विषय नहीं है। और उसका कारण था, काशी एक ऐसा स्थान है गंगा के लिए और शिव दोनों के लिए कि हिमालय से जब शिव की जटाओं से गंगा उतरती है तो गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की पूरी यात्रा में गंगा का अपने पति शिव से मिलन, शिव भार्या होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ काशी में ही होता है। और दो तीन बातें शिव के साथ भी लागू होती हैं और गंगा के साथ भी लागू होती हैं। गंगा हिमालय में त्रिपथगा है। अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी मिलकर के त्रिपथगा धारा के रूप में वो बहती है। और जब वो काशी में 1200 किलोमीटर की यात्रा करके आती है तो यहाँ त्रिशूल पे बसी हुई शिव की नगरी दैहिक दैविक भौतिक तापों का जो निवारण करती है, यही काम गंगा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की गंग सकल मुद मंगल मूला सब विधि हरण तरण भव शूला। तो इन तीनों शूलों का जिक्र, त्रय शूल निर्मूलनम शूल पाणी, जो ये तीनों शूलों का निवारण गंगा करती है, वही काम काशी में उसके पति देवाधिदेव महादेव त्रिशूल। एक लक्षण है कि तीनों शूलों का नाश जो है काशी में भगवान शिव कर देते हैं। इस कारण मुझे लगता है कि काशी एक अद्भुत अलौकिक नगर ही नहीं, दुनिया के सभ्यता में सबसे प्राचीन और जीवंत अगर कोई संस्कृति और सभ्यता के साथ जी रही है तो एकमात्र नगर काशी ही है। इस नाते यहाँ काम करने में बड़ी सुविधा महसूस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। एक मन में एक जिज्ञासा है,
और चिंता भी है। जैसे आपने कहा कि काशी जो है, काशी है एक ही शहर का नाम, बनारस भी है, वाराणसी भी है और काशी भी है। अब काशी अगर ये प्राचीन शहर है पूरे विश्व का, और आपने कहा कि यहाँ की जो संस्कृति है और ऐसे विद्वान यहाँ से बन चुके हैं, निकल के आए हैं और अभी भी शोध कर रहे हैं अपारे शास्त्रों के ऊपर, तो जो ओरिजिनल काशी थी वो आज हमें नहीं देखने को मिलती है। जैसे पहले लोग यहाँ आते थे मोक्ष प्राप्त करने के, मुक्ति के लिए आते थे, और एक माहौल हुआ करता था कि चारों ओर में भजन कीर्तन चल रहा है, महापुरुष बैठे हैं। लेकिन अब ये काशी जो है महाराज जी, ये दिल्ली और काशी में मेरे को ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। वही गाड़ियाँ, वही उसी मॉडल की गाड़ियाँ, वही बिल्डिंगें, वही मॉल, वही वेशभूषा, वो खाना पीना वैसा ही लग रहा है कि जैसे एक मॉडर्न शहर है भारत का, वैसे ही काशी भी लग रही है। तो ये क्या हुआ, कहाँ पर हमारे से गलती हुई कि हम अपने ये जो हमारे धरोहर है, ऐसे जो धार्मिक शहर है, इनको हम बचा नहीं पाए? इसके मूल कारण में एक कालखंड ऐसा आया है कि जिस कालखंड में हम रोटी के लिए भी मोहताज होते दिखे। लूटे गए, कभी सोने की चिड़िया थी देश, तो ऐसा तो नहीं था कि उस लूटपाट से काशी अछूता रह गया था, काशी भी लूटा गया। तो निश्चित तौर से एक आप जहां बैठ करके इस संवाद को कर रहे हैं, ये किसी समय में कहा जाता था मजाक में, काशी बसे तो का बसे घर औरंगाबाद। तो आप तो औरंगाबाद से भी इधर महमूरगंज में हैं, और इसको काशी का आज के डेट में केंद्रीय स्थान कह सकते हैं इस जगह को जी। तो ऐसा कारण क्यों आया? तो इसके कारण के मूल में था कि काशी गंगा के तट का जो इलाका था, जहाँ वेद के मंत्र गूंजते थे, जहाँ पे साधना गूंजती थी, वो गंगा के किनारे से 200 मीटर के पश्चिम की दिशा में ये सारा क्षेत्र होता था। और इसके सांस्कृतिक नाम जैसे हर के हजार नाम, वैसे लाडला प्यारा बच्चा घर का होता है, तो लोग अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। तो काशी का भी नामकरण कुछ ऐसा ही होता चला गया, वाराणसी, काशी, बनारस, ये कुछ शब्द प्यार से सुनने को मिल जाते थे। तो इसके मूल में कारण ये था, विद्वानों के लिए जिनको मुक्ति चाहिए, काशी मरणान्न मुक्ति, लेकिन वाराणसी के साथ ये शब्द नहीं लागू है, ये बनारस के साथ यह शब्द नहीं लागू होता है, ये काशी के साथ, क्योंकि काशी खंड है और काशी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, और काशी आज भी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है। मैं भारत की बात नहीं करता कि भारत की, दुनिया भर के लोग यहाँ आज भी बनारस की गलियों में पढ़ते हैं। हम घूम कहाँ रहे हैं, हमारे पास फोर व्हीलर है, वातानुकूलित गाड़ियां हैं, तो स्वाभाविक है कि हम गलियों में तो घुस नहीं पाएंगे उन गाड़ियों से। लेकिन जिस समय में शाहजहां का बेटा दारा सिकोर 52 उपनिषदों का भाष्य करता है और पंडित राज जगन्नाथ से यहाँ पे वेद पढ़ने के लिए आता है, उपनिषद का अध्ययन करता है दारा सिकोर, वो तो काशी की गलियों में करता है। काशी की गलियों में मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती, टू व्हीलर नहीं जाते, तो फोर व्हीलर की बात कहाँ। तो हम फोर व्हीलर से उतर करके 100 कदम पैदल चलने को तैयार नहीं है। वो गलियां आज भी अपने मस्ती में जी रही हैं, वो प्राचीन गलियां हैं, वो ऐसे काशी की अपनी गलियां हैं, अपनी गलियां हैं। 400 साल, 500 साल आप जो कार्बन डेटिंग है उसके आधार पे उन गलियों के जीवन को। और हुआ क्या, एक समय में मुगल आक्रमण काल में जब मंदिर तोड़े गए, विध्वंस हुए, तो उस कालखंड के बाद से स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जब कालखंड आया, तो रानी रासमणी को लेके काशी आए। मध्य प्रदेश के कई राजा जो थे, हिंदू राजा, वो काशी में आए। तो कहीं पे रीवा घाट आपको दिखता है, कहीं पे ग्वालियर का घाट आपको दिखता है, तो कहीं पे आप इंदौर स्टेट के घाट देखेंगे। तो जब का चर्चा करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर कराती हैं, होलकर स्टेट के लोग कराते हैं। तो रासमढ़ी जो है दुर्गा कुंड मंदिर का जीर्णोद्धार कराती हैं। तो जीर्णोद्धार हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में विभिन्न आक्रमण काल में हमारे मंदिर टूटे फूटे, लेकिन हमारे मंदिर संस्कृति के प्रतीक थे, हमारे मंदिर संस्कारों के प्रतीक थे, शिक्षा के प्रतीक थे। इन्हीं मंदिरों में एक लोटा जल चढ़ा करके कहीं पे पंडित राज जगन्नाथ बनते हैं, तो कहीं शंकराचार्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देने वाले मंडन मिश्र यही पैदा होते हैं 2500 साल पहले।
तो ये 400 साल 500 साल में टूटे, लेकिन उसके पहले के कालखंड में मुगल आक्रमण से पीछे की तरफ जब हम जाते हैं तो काशी जिन स्वरूपों को जी रहा था, कहीं पे तैलंग स्वामी 17वीं सदी में जीते हुए मिल जाते हैं, तो 1000 साल पीछे कहीं शंकराचार्य के कालखंड में एक डोम अद्वैत के दर्शन पे शंकराचार्य को चुनौती देते हुए मिल जाता है, तो कहीं मंडल मिश्र का तोता संस्कृत काशी से ही यही चैलेंज हुआ था। ये सारे शास्त्रार्थ काशी में ही हुए थे। किसी कालखंड में महर्षि दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए काशी में आते हैं, तो उनके भी शास्त्रार्थ का स्थल यहाँ पे है। तो जो दुनिया में अपने को बड़ा विद्वान समझता था वो काशी में कथा करने अथवा शास्त्रार्थ करने, तो शास्त्रार्थ एक स्वस्थ संवाद का तरीका था, वो शास्त्रों के अर्थ निकालने की एक विधि थी, जिसको हम कहते हैं आज की डेट में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करें तो हमारा व्यू क्या है पुराणों पे, शास्त्रों पे, वेदों के विभिन्न भाष्यों पे, हमारे अपने भी कुछ अर्थ हैं, तो इन अर्थों के लिए वो काशी आता था। आज दुनिया मैक्स मूलर यहाँ वेद पढ़ने के लिए आ सकता है, मैकाले यहाँ पे अध्ययन कर सकता है। यहाँ पे जब हम संस्कृत और हिंदी की चर्चा करते हैं अथवा अंग्रेजी की एक परिभाषिक कल्पना करते हैं, तो जब महाभारत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा, दुर्योधन जब चुनौती देता है तो कहता है यह भी जो भूमि है वसुंधरा जो है वो वीरों के उपभोग के लिए है, तो पांडव और कौरवों में उपभोग का विषय तय हो जाएगा। तो जब 5000 साल पहले वीर भोग्या वसुंधरा का उद्घोष होता है तो हम कहते हैं पुरातनवादी है, लेकिन जब डार्विन अपने विकासवाद में इसी को सर्वाइवल द फिटेस्ट का उदाहरण प्रस्तुत करता है तो हम इसे विकासवाद मान लेते हैं, ये डेवलपमेंट की थ्योरी मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमारी जो मानसिकता बनी गुलामी की, उस मानसिकता से ये दोष उपजे हैं। तो इस दृष्टि को बदलने की, और काशी के गलियों में, काशी में आज भी वो विद्वान है, एक सिद्ध है और एक प्रसिद्ध है। अच्छा, तो जो सिद्ध है उसको प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही प्रसिद्ध, क्योंकि वो तो परमात्मा से बात करता है ना, जहां से तार जोड़ना है ये दुकान कौन लगाएगा, दुकान कौन लगाता है, जिसको प्रसिद्धि चाहिए, जिसको प्रसिद्धि चाहिए। महाराज जी 1947 के बाद भी आप जैसे कह रहे मुगल काल के टाइम में या पहले, उससे पहले जो है हम गुलाम थे और इसमें इस शहर में बदलाव आया, लेकिन 1947 के बाद भी तो काफी बदलाव आया, वो जबकि वो भारत का अपना शासन रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का अपना शासन रहा है, तो हमें इतने 60-65 सालों में भी तो काशी के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ कदम नहीं लिए। उसका कारण था, काशी को आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे और राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था में काशी को समझने वाला कोई राजनेता हुआ ही नहीं, जिसके मन में काशी को जानने की समझने की कोई ललक हो। राजनीति में तो चुनाव के पहले वोट कैसे लेना और कुर्सी पे जाने के बाद संसद की सदस्यता कैसे बचाना, ये राजनीति के अपने गुण है जी। और क्षणिक कारणों से हम सत्ता के प्रति रुझान पैदा करने के लिए क्षणिक मुद्दों को उठाते हैं, तो उसमें से ज्ञान खान अघान काशी कसन सेविते ये भाव कैसे उत्पन्न होगा राजनीतिक व्यवस्था में। फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री औद्योगिकरण के सहारे भारत को स्थापित करना चाहते हैं, वो गांधी के ग्राम विकास के मॉडल को ठुकरा देते हैं, गांधी के लिखे गए। ऐसी परिस्थितियों में काशी तो ग्राम से भी ऊपर उठ करके एक धर्म की नगरी है, जहां पे ज्ञान बरसता है, जहां एक नए विचार प्रतिदिन पैदा होते हैं, गलियों के अंदर गमछा लपेटे हुए व्यक्ति जिसे कछ न चाहिए ऐसा व्यक्ति गलियों में घूमता हुआ मिलता है, उसके विकास का मानक क्या हो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है उसका मानक क्या हो जी। तो मैं आज भी कहता हूं 30-40 लाख काशी की आबादी होगी और 1.25 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की आबादी होगी, तो क्या दिल्ली में उतने विश्वविद्यालय है जितना काशी में है, आप एक तुलना करिए। यहाँ पे 1600 संस्कृत विद्यालय आज की तिथि में भी है, 1600 सिर्फ काशी के अंदर, आप डिग्री कॉलेज गिन लीजिए कुछ नहीं तो मेरी जानकारी में 40 से 50 डिग्री कॉलेज है इस शहर के अंदर,
सात विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से दो तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में ये एजुकेशन हब हजारों सालों से था। आप शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं, फला जगह के पंडित थे, वो काशी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, काशी आए, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो क्या आज की तिथि में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तिब्बतीयन उच्च संस्थान हो, स्वायत्त यूपी कॉलेज हो, अग्रसेन महिला महाविद्यालय हो, और इसके अलावा 40-50 डिग्री कॉलेजेज, 1600 से ज्यादा गली गली में संस्कृत के विद्यालय महाविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जैसा केंद्र, क्या एजुकेशन हब जैसे अंग्रेजी शब्द को प्रयोग करने के लिए आपको बाध्य नहीं करते हैं? आप भारत की पॉलिटिकल राजधानी से, मुंबई की औद्योगिक राजधानी से, कोलकाता जो 1911 तक भारत की राजधानी था जी, उससे ये 25-30 लाख की आबादी के शहर की तुलना तो करके देखिए। तो उस दृष्टि से न राजनेताओं ने काशी की बातें सोची, न ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर इस शहर के विकास का कोई खाका खींचा गया। तो स्वाभाविक है वो उत्तर नकारात्मक मिलेगा, क्योंकि जो अपनी साधना में लीन है उसे पॉलिटिक्स नहीं करनी। और आज वोट कैसे मिलते हैं इसकी अलग एक टैक्टिस है, वो टैक्टिस जो साधक हैं, जो विद्वान हैं। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश की आबादी 20-22 करोड़ के आसपास है, आज ही कल में संस्कृत पुरस्कारों की घोषणा हुई, विश्व भारती सम्मान श्री काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष को प्राप्त होगा। ये फर्स्ट टाइम रहा, पहली बार रहा, पहली बार ऐसा सम्मान मिला। तो इसके पीछे में क्या रीजन क्या है, तब से उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं किया इसको? राजनीतिक अगर व्यू से देखेंगे तो स्वाभाविक है कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी संसदीय क्षेत्र से चुना जाए, अगर वो प्रधानमंत्री रहा है तो उसके संसदीय क्षेत्र पे कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रवेश कर चुके हों, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि हो, तो स्वाभाविक तौर से उसको उपकृत करने के लिए उसके क्षेत्र के लोगों का कुछ विशेष ध्यान, कुछ नजर जाती है, लगता है अरे ये वेद के इतने बड़े विद्वान हैं, अरे ये संस्कृत में साहित्य के इतने बड़े विद्वान हैं, ये मीमांसा के बड़े विद्वान हैं, तब एक नजर जाती है। अन्यथा गली कूचे में वो विद्वान पड़ा हुआ जिंदगी की अंतिम सांसें गिन देता है, न उसकी नैतिकता, ईमानदारी, न उसके विद्वता पे कहीं कोई नजर नहीं जाती। लेकिन अब पूरे दुनिया के मीडिया की नजर काशी के एक एक पहलू पे जाने लगी है, काशी के चाय वाले का पुरवा कैसा है इस पे लोगों की नजर जाने लगी है। तो विद्वानों पे नजर जाना स्वाभाविक है, गलियों में कोई साधक बैठा होगा, कोई संगीतकार होगा, कोई साहित्यकार होगा, कोई चित्रकार होगा, सबके पर हमारी नजर जा रही है। तो उसी में से काशी का अपना एक वैशिष्ट उभर करके दुनिया के सामने आ रहा है। अभी तक हमने चर्चा डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की, काशी के बारे में हमने जाना, वो क्या वजह रही 1947 से पहले काशी का जो ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल रूप था, वो कैसे बदलता गया, और 1947 के बाद में क्या सर्कमस्टेंसेस रहे जिसकी वजह से काशी आज वो काशी नहीं रही जो पहले थी और पहले पूरे विश्व में इनकी मान्यता थी।